हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। लेगिंग्स देख के आपको समझ ही आ गया होगा, मैं जा रही हूँ अपने मैं के रक्षाबंधन में, तो आपको हैप्पी रक्षाबंधन। तो चलिए फ्रेंड, चलते हैं रुद्रपुर के लिए। तो ब्लॉक में बने रहिए, तो हम लोग अभी नीचे आ गए हैं, तो चलते हैं गाड़ी के पास। तो गाड़ी थोड़ी आगे खड़ी है, तो वहाँ तक जाना पड़ेगा फ्रेंड पैदल। तो चलिए, मायके जाने की खुशी ही कुछ और होती है फ्रेंड्स। बहुत ही मज़ा आता है, अच्छा लगता है, क्योंकि इतने दिन ससुराल में रह के फिर इंसान बोर हो जाता है, जाना चाहता है मायके में, क्योंकि वहाँ पे अपने ही लोग होते हैं, इतने साल से वहाँ पे लोग बड़े होते हैं, यानी कि लड़कियों की बात बोल रही हूँ, लड़कियाँ बड़ी होती हैं वहीं पर, और विदा हो जाने के बाद साल साल भर जाते नहीं है। मैं पता है फ्रेंड्स, इस एक साल बाद जा रही हूँ घर में, तो बहुत ज़्यादा मन में खुशी सी हो रही है जाने के लिए, क्योंकि इतने दिन बाद। और पहले मैं 2-3 महीने में चली जाती थी फ्रेंड्स, लेकिन अब थोड़ी सी दिक्कत हो गई है, अभी झलक बड़ी हो गई, स्कूल भी जाने लग गई, तो नहीं जा सकती फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मेरे हस्बैंड गाड़ी निकाल रहे हैं। तो ये जो ट्रेन है ना फ्रेंड्स, ये शताब्दी ट्रेन है, ये रुद्रपुर के लिए ही जाती है। तो रुद्रपुर काठगोदाम तक जाती है, यानी कि दिल्ली टू काठगोदाम तक ही जाती है, तो बाकी कुछ भी रास्ते में छोटे छोटे 2-2 मिनट के लिए, 3-3 मिनट के लिए रुकती है। तो ये ट्रेन बहुत फास्ट चलती है फ्रेंड्स, और बहुत ही जल्दी पहुंचा देती है, इसीलिए मुझे ये वाले ट्रेन में जाना बहुत पसंद है फ्रेंड्स। ये देखिए, मेरे हस्बैंड ने गाड़ी निकाल ली है, तो चलो ये चलते हैं। झलक बोल रही है पापा मुझे ले लो, तो चलिए फ्रेंड्स, सामान वामान अंदर रखना है तो रख लेते हैं। और ये देखिए, दिल्ली का रास्ता बहुत ही अच्छा है, और सुबह सुबह का टाइम था, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखिए फ्रेंड्स। और दिल्ली में अभी 15 अगस्त गुजरा, तो बहुत ज़्यादा लाइटिंग वाइटिंग बहुत ज़्यादा थी रोड में, बहुत सुंदर लग रहा था रोड। तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसका ही वीडियो बना लूँ। देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा दिल्ली का रोड कैसा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, और थोड़े थोड़े म्यूज़िक चला रहे था तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये हम लोग रेलवे स्टेशन पहुँच गए फ्रेंड्स। हम लोग पता है, पहले हम लोग जाते थे तो 11 नंबर प्लेटफॉर्म में, यानी कि ट्रेन रुकती थी, लेकिन इस बार बोल रहे थे 2 नंबर प्लेटफॉर्म में रुकेगी, तो हम लोग उल्टे रास्ते में ही आ गए थे, क्योंकि इधर की तरफ और दूर चल के जाना पड़ा 2 नंबर पे। तो देखिए, हम लोग आ गए हैं ट्रेन में, तो झलक भी देखिए ट्रेन में बैठी है, झलक के पापा से झलक बातें कर रही है, अपने पापा से बहुत सारी बातें कर रही है, पापा आप भी चलिए, बहुत चीज़ बोल रही है। इसलिए पापा पापा को अपनी बहन के पास जाना है, तो पापा कहाँ जाएंगे, मामा घर में। तो झलक बोल रही थी मामा कल, पापा आप भी चलिए, क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा था पापा से अलग होने का, क्योंकि हर बेटी का ऐसे ही होता है फ्रेंड्स, बाप बेटी का प्यार ही ऐसा होता है। तो वो बोल रही थी पापा आप मत जाओ, पापा हमारे साथ चलो। पापा बोल रहे थे नहीं बेटा मुझे जाना है, तो दुखी हो रही थी। देखिए, अपने पापा से बहुत सारी बातें कर रही थी, उसके पापा भी जब तक ट्रेन नहीं चला तब तक झलक से बातें करते रहे, और बहुत चीज़ पूछ रहे थे, ऐसे रहना वैसे रहना, क्योंकि यहाँ पे तो गांव है ना फ्रेंड्स, तो मॉस्किटो वगैरह बहुत ज़्यादा काटता है, तो वही सब बोल रहे थे उसको, ऐसे रहना वैसे रहना, क्योंकि यहाँ बड़ा घर है ना, पूरा घर में नंगे पाँव वगैरह घूम सकती है, सब समझा रहे थे उसको। तो बेचारी बोल रही थी और ठीक है पापा मैं ऐसा नहीं करूँगी वैसा नहीं करूँगी, उसके पापा भी चले गए फिर। और हम लोग ये देखिए ट्रेन चल पड़ी है, तो हम लोग ये देखिए मेरी झलक अभी बैठी हुई है, अभी तो आराम से बैठी है और चिप्स वगैरह खा रही थी, बैठी थी बातें कर रही थी। और देखिए इतनी जल्दी से हम लोग पहुंच गए हैं गाजियाबाद, तो गाजियाबाद में भी रुकेगी 2 मिनट के लिए फ्रेंड्स। ये ट्रेन 2 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए ही रुकती है, ज़्यादा नहीं रुकती। तो आ गया चाय, तो चाय पी लीजिए फ्रेंड्स, चाय में है बिस्किट और चाय, ये पानी रखा है, चाय बनाना है फ्रेंड्स, तो बना लेती हूँ और आप लोग भी पी लीजिए। तो ये ट्रेन में यही चीज़ अच्छा लगता है फ्रेंड्स, चाय वगैरह सब चीज़ ही यानी कि मिल जाता है, तो इसमें यही चीज़ अच्छा, बाहर से कुछ भी नहीं लेना पड़ता, कुछ भी कैरी नहीं करना पड़ता। तो देखिए दूध डाल दिया मैंने और चीनी, और ये चाय पत्ती,
तो फ्रेंड्स आप लोग भी पी लीजिए चाय। चाय बन गई है देखिए। और ये वाले ट्रेन में कोई फालतू लोग नहीं होते हैं, जिसका जो सीट होता है वही लोग बैठते हैं, और कुछ भी यानी कि ज़्यादा लोग नहीं होते और कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से इंसान जा सकता है। तो मुझे यही वाला ट्रेन बहुत पसंद है फ्रेंड। और ये देखिए मैं चाय पी रही हूँ, तो चाय आप लोग भी पी लीजिए फ्रेंड। और झलक मेरी सो गई थी क्योंकि 4 बजे से उठी हुई थी ना, तो फिर दिक्कत हो रही थी तो सो गई। मैंने उसको सुला दिया था गोद में ही, दूसरे वाली सीट भी नहीं सीट में सुला दूँगी अभी थोड़ी देर में। देखिए ये आ गया नाश्ता, तो ये नाश्ते में देखिए आलू के टिक्की है और वो है ब्रेड है, जूस है, फिर जैम्स है, सॉस है, ये सब चीज़ बटर वगैरह बहुत चीज़ था, तो यही सब चीज़ खा लिया था मैंने। और झलक उठी नहीं थी तो मैंने ही खा लिया था फ्रेंड्स। देखिए ये ट्रेन पर चल पड़ी। झलक देखिए सो गई है मेरे गोदी में ही। तो पूरे रास्ते में कोई तंग ही नहीं किया झलक, बिल्कुल आराम से ही पहुंच गई, सोते सोते ही पहुंच गई झलक। तो देखिए ले रही मेरी झलक, तो कोई दिक्कत नहीं। मैं भी लेट गई थी ऐसे लंबा करके, झलक को सुला दिया था, मैं भी लेट गई थी, तो बहुत अच्छे से ही पहुँच गए थे, कोई दिक्कत नहीं हुआ फ्रेंड्स। क्योंकि बच्चा अकेला लेके जाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है मैंने सोचा था, लेकिन नहीं, मेरी बेटी पूरे रास्ते ही सोते हुए आई, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। देखिए यही अच्छा है फ्रेंड्स इस ट्रेन में, क्योंकि ज़्यादा भीड़ भड़का होता है तो मुझे मेरे घबराहट सी हो जाती, मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगता फ्रेंड्स। ये देखिए रोड बहुत ही अच्छा था, यानी ग्रीनरी थी, तो मैंने सोचा वीडियो यहाँ का भी शूट कर लूँ। और ये गड़गंगा देखिए, गड़गंगा में पानी बहुत ज़्यादा कम था देखिए, तो मैंने ये भी शूट कर लिया है फ्रेंड्स। देखिए रोड में निकलते हुए कुछ भी चीज़ अच्छा होता है तो शूट कर लेती हूँ, कहीं पे भी जाती हूँ तो, क्योंकि आपके साथ शेयर कर दूँगी ये सोचती हूँ। तो देखिए यहाँ पे खेती कितनी अच्छी हो रही है, धान पूरे खेत में लग गए हैं, और कहीं कहीं देखो बारिश में पूरा धान को ख़राब कर दिया है, पूरा भर गया, बहुत ज़्यादा पानी भर गया, तो लगातार पानी चल रहा था। और फ्रेंड्स हम लोग पहुँच गए हैं रुद्रपुर। ये झलक मुझे बाय कर रही है ट्रेन को, बाय जाओ। तो उसकी मासी आ गई थी हम लोगों को लेने के लिए, क्योंकि भाई को मैंने मना कर दिया था, तो ये मेरे दीदी के बहन के हस्बैंड आ गए थे, तो हम लोग चले गए। थैंक यू सो मच।